जहां एक तरफ कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जहां साफ सफाई रखने की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी तरफ कोडरमा के झुमरी तलैया में KMSW के आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों ने घरों से कचरा उठाना बंद कर दिया है। सफाई कर्मियों के हड़ताल पर जाने की वजह से झुमरी तलैया नगर परिषद इलाके के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सफाई कर्मियों का कहना है कि इस महामारी में उनकी सुरक्षा का ख्याल कंपनी नहीं रख रही है, जिस वजह से उन्हें बिना मास्क और ग्लव्स के काम करना पड़ रहा है। सर, कोरोना महामारी को देखते हुए हम लोग काम कर रहे थे, लेकिन कंपनी को 3-4 बार अवगत कराए कि हम लोग को सेफ्टी दिया जाए, किसी तरह से कोई सेफ्टी नहीं दिया गया, तो लाचार होकर के हम लोग काम को दिए। किस तरह का डर लगता था जब बिना सेफ्टी के जाते थे? डर लगता था, घर घर से कूड़ा उठाते हैं, कहीं कोई बाहर का आदमी भी ला करके बाल्टी में कूड़ा हम लोग को दे रहा है, और मेरा हेल्पर है जो वही हाथ से डाल रहा है बाल्टी गाड़ी में, फिर साथ में आकर के बैठ रहा है। उस संक्रमण को फैलने के वजह से हम लोग काम बंद कर दिए, तो कोई मास्क और कुछ नहीं, कुछ नहीं। वहीं सफाई कर्मियों का कहना है कि उन्हें 2 महीने से वेतन भी नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि बगैर सुरक्षा और बगैर वेतन के काम करना काफी मुश्किल है। सर, हम लोग को 2 महीना से वेतन नहीं मिला दिया जा रहा है। मांगने पर एक ही चीज बोलता है, नगर परिषद अगर हमें पेमेंट देगी तो देंगे, अन्यथा नहीं देगा। तो आप नगर परिषद से पूछने का कोशिश किए कभी? अभी नगर परिषद से हम लोग का कोई इतना वार्तालाप होता नहीं। अच्छा, हम लोग कंपनी के थ्रू KMFW के काम करते हैं। अच्छा, उनके बात करते तो बोलते हैं तो आप लोग तो KMFW के स्टाफ हैं। अच्छा अच्छा, तो आप लोग कब से कचरा उचरा उठाव बंद कर दिए हैं? 1 तारीख से बंद कर दिए हैं। 1 तारीख से बंद, खाने नहीं मिलेगा तो कैसे काम करेंगे सर? वहीं आउटसोर्सिंग सफाई एजेंसी KMSW के साइट इंचार्ज प्रवीण शंकर सिंह का कहना है कि पिछले 4-5 महीने से उन्हें मजदूरों के बिल का भुगतान विभाग की ओर से नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते ऐसे हालात बन रहे हैं। हमारी कंपनी के साथ परेशानी है कि हमें विगत 4-5 महीनों से भुगतान हुआ नहीं है। अब भुगतान ना हो पाने की परिस्थिति में हम अपने कर्मचारियों का भुगतान नहीं कर पा रहे, ये एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से कि हमारे यहाँ अभी सारे मिलकर के अभी इस कार्य को बहिष्कार किए हैं। वो जरूरी है। हाँ, ये तो है। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उन लोगों को मोटिवेट करके किसी तरह से नहीं काम तो इस बारे में हम लोग बहुत गंभीरता से सोच रहे हैं। अभी एक चरण के लिए दोबारा उनको बुलाया गया है, अगर बातचीत हमारी सफल रहती है तो हम कल से या परसों से काम शुरू करेंगे। कुछ लोग का है इशू कि मास्क सैनिटाइजर या जो हैंड ग्लव्स वगैरह भी उन लोगों को नहीं दिया गया है। सर, मास्क और सैनिटाइजर तो दिया गया था इन लोगों को, जो यहाँ अवेलेबल था उसके हिसाब से दिया गया था। मास्क भी और सैनिटाइजर भी दोबारा परचेज करके भी हम लोग रख रखे हैं। काम पे वो आएंगे, उनको देख करके हम काम सुचारू रूप से चलाएंगे। इस चीज बता दें कि झुमरी तलैया नगर परिषद के 28 वार्डों में कचरा उठाने के लिए 73 आउटसोर्सिंग सफाई कर्मी है, जो घरों से कचरा उठाने के साथ साथ गलियों मोहल्लों में फैले कचरे की भी सफाई करते हैं। इन हालातों में कर्मियों के हड़ताल पर जाने से इलाके में गंदगी फैल रही है। कर्मियों की हड़ताल को खत्म करवाने और उनकी हर समस्या को दूर करने का प्रयास लगातार जारी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कोडरमा से मुकेश की रिपोर्ट।